आज मैं आई हूँ अयोध्या में, जहाँ पर रामलीला हो रही है वहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर मेकअप हो रहा है, जो यहाँ पर काम करने वाले आर्टिस्ट हैं, ये उस रामलीला में सीता जी बनी है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। मेकअप तो सब पे यूज होता होगा ना, कि हर किसी का अपना पर्सनल होता है? नहीं नहीं, ये मेकअप सब पे यूज होता है। तो ब्रांडेड रहता है कि लोकल? ब्रांडेड ये सारा चीज, वरना सबका फेस खराब ही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, गौरव जी का तो पास पास किया। तो चलिए सीता जी के बारे में जानते हैं। आपका नाम क्या है मैम? स्वीटी गुप्ता। स्वीटी गुप्ता बहुत बढ़िया नाम है, जैसे आप हैं वैसे ही। तो एक्टिंग की शुरुआत आपने कहाँ से की? मुझे रामलीला में 14 साल हो गए हैं। और तब से 14 साल हो गए जी। कहाँ से हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से। तो 14 साल में आपने कौन कौन सा रोल किया? तब तो बच्ची रही होंगी काफी। मैं अब तक सारे किरदार कर चुकी हूँ, कई को छोड़कर, सारे फीमेल पार्ट, कौशल्या, सुलोचना, सुमित्रा, मोहिनी। तो पहली बार सीता कर रही हैं? नहीं, दूसरी बार। पहली बार कहाँ सीता किया था? 2019 में करा था, श्री रघुनंदन रामलीला कमेटी दिल्ली कैंट। और एजुकेशन वगैरह के बारे में थोड़ा बात करें? जी, मैं मास्टर्स कर रही हूँ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से, SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई से। अच्छा, तो वहाँ आप ग्रेटर नोएडा से या मुंबई से क्लास का? नहीं, अभी मेरा ऑनलाइन चल रहा है कोविड की वजह से। अच्छा, तो ऑनलाइन तो वैसे सबका चल रहा है, तो कैसे वहाँ पर गई रही होंगी? हाँ, मैं अभी रहती हूँ। तो जो एक्टर्स रहते हैं लगभग मुंबई में जाते हैं, ऐसे कर करके एक बार ट्राई मारना चाहते हैं, आप गई थी? नहीं, अभी तक तो कोशिश नहीं करी मैंने ऐसे एक्टिंग में ट्राई करने की, मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए गई थी। अच्छा, तो मतलब ये सपना नहीं है कि मैं जा करके थोड़ा बॉलीवुड में या सीरियल में ट्राई करूँ? बिल्कुल, कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो ज़रूर करूँगी। तो हो सकता है कि ये जो नेशनल चैनल है, कोई चैनल और हो ना हो, नेशनल तो हर घर में जा रहा है। बिल्कुल, तो हो सकता है कि कहीं किसी की नज़र पड़े। बिल्कुल। अच्छा, एक दिन के लिए सीता जी के लिए भाग्यश्री आई थी जी, तो भाग्यश्री के बाद आपको मतलब कि सीता के रूप में देखना, मतलब कोई चैलेंजिंग नहीं लगा कि भाग्यश्री के बाद सीता हम बन रहे हैं? तो कुछ खुशी हुई होगी, कुछ लगा होगा कि वो ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, एक बड़ी एक्टर और हम? चैलेंजिंग तो कुछ नहीं लगा, उन्होंने अपना रोल किया, मैं अपना कर ली। नहीं, जैसे ये होता है ना कि जैसे कि राम जी, पिछली बार हम लोग राम जी देखे थे तो तुलना होने लगती है कि भैया कौन बढ़िया कर रहा था, पिछली बार का राम जी अच्छे कर रहे थे या कि आपकी बार के राम जी अच्छे कर रहे हैं, क्या क्या मतलब कि वो कैसे कर रहे थे, हम कैसे कर रहे हैं। तो इसमें मैंने कहा कि वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसके कैसा मतलब नहीं लगा कि उसके बाद हम कर रहे हैं तो लोग थोड़ा सा करेंगे? नहीं, मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसे कुछ फील आया नहीं। अच्छा, ये गुड एक्टर की यही पहचान होती है। हाँ, अगर थोड़ा सा सोच लिया तो थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा तो दिखने लगेगा। हाँ, और मुझे ऐसे कुछ मतलब मुझे उनका रोल देख के भी काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने भी बहुत और फैमिली के बारे में बात करें तो कौन कौन है? मम्मी, पापा, सबसे बड़ी दो बहनें। तो वो लोग क्या करते हैं? मम्मी हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स, दोनों बहनें भी स्टाफ नर्स हैं हॉस्पिटल में, और मेरा भाई अभी MBBS कर रहा है। तो एक्टिंग का शौक कहाँ से आया? रामलीला से। शुरू से मतलब रामलीला से ही शौक ज्यादा? हाँ, मैंने रामलीला ही करी है स्टार्टिंग। तो पहली बार रामलीला किया था कितनी एज रही होगी? 14 साल पहले, ऐसे ही रही होगी 10-11 साल। 10-11 साल में कौन सा रोल किया था? मैंने सबसे पहले सरस्वती माँ का रोल किया था, सबसे पहला रोल। हाँ, जो मैंने पहली बार रामलीला करी, माँ सरस्वती। उसके बाद मतलब कैकी को छोड़कर सारे रोल? हाँ, उसके बाद मैंने बाकी स्टार्ट करे, और मैंने वहाँ पर फिर कॉमेंट्री भी करी, मतलब नोएडा में जो रामलीलाएं होती थी वहाँ पर लाइव डायलॉग्स नहीं चलते थे, कॉमेंट्री चलती थी। तो मैंने बेसिकली सिंगिंग के लिए ज्वाइन करा था उस टाइम रामलीला, तो मैंने वहाँ कमेंट्री करना सीखा, फिर चौपाइयाँ गानी सीखी, उसके बाद फिर मैंने एक्टिंग सीखा, तो तब से मुझे इंटरेस्ट आया रामलीला से। तो एक्टिंग कहीं सीखी भी है या फिर सिर्फ रामलीला से ही परफेक्ट हो गई है? सिर्फ रामलीला मैंने सीखी नहीं है। वाओ, ये तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, फिर बात करेंगे। बिल्कुल, आइए। तो हमारी सीता माता का ये मेकअप तैयार हो चुका है और अभी हम लोग मेकअप करते हुए देख रहे हैं, और ये मेकअप होने के बाद का रूप। वाह, बिंदी नहीं लगी है।
अभी हिंदी माथे पे सुनना लग रहा है हिंदी की वजह से। इनसे तो काफी बातें हो चुकी है, बस आखिरी लुक दिखा रहे हैं कैसी लग रही है। एकदम पूरा सीता माता। तो हमने कल देखा कि आप गाना भी गा रहे हो, तो दो लाइन हम गुनगुनाए थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, थैंक यू, ताली बजाए। तो आपकी आंखें देख रहे हैं हम, तभी देखिए अभी बात नहीं कर पाए। तो ये लेंस लगाया आपने कि ओरिजिनल है? नहीं, ये वाले लेंस है। मतलब ओरिजिनल होती तो कितनी खूबसूरत लगती, लेकिन लेंस भी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो आगे चल के राम जी से अब बात करते हैं, देखते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं।